स्टार प्लस की धारावाहिक दिल तो हैप्पी है की मशहूर अभिनेत्री सेजल शर्मा ने अपने ही घर में फांसी लेकर आत्महत्या की। नैराश्य से तंग आकर आत्महत्या कर रही हूँ ऐसा विधान तक उसने अपने सुसाइड नोट में किया। मीरा रोड के शिवार गार्डन इलाके में रॉयल नेस्ट इमारत में सेजल शर्मा पिछले कुछ समय से अपने सहेली के साथ रह रही थी। भारत का मशहूर चैनल स्टार प्लस पर दिल तो हैप्पी है इस धारावाहिक में सेजल शर्मा काम कर रही थी, लेकिन अगस्त 2019 से ये धारावाहिक बंद होने के कारण सेजल काम की जांच में थी। हाथ में काम ना होने की वजह से नैराश्य में आकर सेजल ने आत्महत्या की। आत्महत्या करते वक्त सेजल ने लिखे सुसाइड नोट में मेरी सुसाइड के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए ऐसा नमूद किया गया। सुबह 4 बजे के करीब सेजल ने आत्महत्या की। हम लोग को रात को पता चला कि पुलिस आई हुई है यहाँ पे। पुलिस को एक्चुअली दिल्ली से कॉल आया, एक लड़की ने जो सुसाइड किया उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो सुसाइड कर रही है। तो पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने दरवाज़ा वगैरह काफ़ी नॉक किया तो अंदर एक लड़का और लड़की ऑलरेडी रहते थे साथ में, मतलब दो लड़कियाँ रहती थी। तो अंदर 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, तो उसमें एक में एक लड़का लड़की थे साथ में। तो उन्होंने खोला फ्लैट और पुलिस ने वो बताया, पुलिस ने फिर उनको बोला कि ऐसा ऐसा हमको कॉल आया। तो दूसरे रूम में जब ही जाके उन्होंने देखा तो लड़की ऑलरेडी पंखे पे लटकी हुई थी, तो काफ़ी देर हो गई थी लटके हुए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है, क्या वो क्या काम करती थी? अभी उन लोग काफ़ी मतलब महीनों से रह रहे थे यहाँ पे, तो हमको खाली इतना ही पता था कि वो लोग टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करते। और पुलिस ने ये बताया कि कुछ सुसाइड नोट मिला है जिसमें ये मेंशन किया है उसने कि वो डिप्रेस में थी, उसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। सेजल की आत्महत्या की खबर मीरा रोड पुलिस को मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। सेजल का शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। सेजल की आत्महत्या महज एक आत्महत्या है या प्यार संबंध या नैराश्य में आकर उसने अपनी जीवन यात्रा खत्म की, इसकी जांच मीरा रोड पुलिस कर रही है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप कदम इन्होंने दी।